उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार को जवाब देना होगा कि उत्तराखंड का युवा जो बेरोजगार है उसने केवल नौकरी मांगी, आपने लाठियां भांजी, आखिर क्यों? बेरोजगार जब कहता है कि मुझे नौकरी दो और दे नहीं सकते, सड़क पर आता है और आंदोलन करता है, तो आपको उससे इतनी नफरत क्यों होती है? आपने ही तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। उत्तराखंड का युवा आज बेरोजगार है, हर जगह इम्तिहान देने जाता है और पेपर लीक होता है, और उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। हाकम सिंह कैसे छूट गया, कैसे मिली जमानत उसको? लेकिन अब जब बॉबी पवार और उसके साथियों के ऊपर आपने इतनी सारी धाराओं में केस दर्ज किया है, इसका विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं, और डीजीपी को हटाने की मांग है। डीजीपी की पुलिस ने किस तरह से बर्बरता करी, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाजपा की सरकार को। ये लाठियां जो भांजी है, ये आपका काल है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके राजनीतिक करियर की अंत्येष्टि हो जाए। युवाओं को समझो, युवाओं से बातचीत करो, बुलाकर बातचीत नहीं कर सकते थे? अब इस अध्यादेश को लाकर क्या दिखाना चाहते हैं आप? अब बॉबी पवार ने जब कहा है कि उत्तराखंड बंद होगा तो उत्तराखंड बंद होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि डीजीपी का पुतला दहन किया जाएगा पुलिस मुख्यालय में, उसमें हर व्यक्ति साथ आए, हर कांग्रेसी साथ आए और युवाओं के साथ खड़ा हो और आज पूरा उत्तराखंड बंद हो। यही मेरी उम्मीद नहीं, ये मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। मुझे मालूम है कि जो युवा आज सड़क पे खड़ा है उसके साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड है। भाजपा चेत जाओ, और आज पता चल जाएगा कि असलियत क्या है आपकी। युवाओं पर लाठियां भांजी है, माफी मांगो और इस्तीफा दो। पुष्कर सिंह धामी, इस्तीफा दो, हटाओ डीजीपी को, तुरंत हटाओ।